माता हमार मेहरारू जो भी वर्ड बोलेगा उसमें रेफ लगा के बोलेगा। और बाबू आपकी बहन हमार सड़ुआई कब की बात कर रहा है रे? तेरी सड़ुआइन तेरे घर आई थी। हाँ बाबू आई रे। तो उस समय तेरे घर वाले के साथ हमारे घर आई थी। तो उस समय हमारी बहन और तेरी सड़ुआइन आपस में बात कर रही थी। बात बाबू हम कहाँ थे कि आपकी बहन मेरी सड़ुआइन साथ में बैठ के बात कर रही थी। बाबू आप पकड़ लिया है पहुंचे बाबू। चल ठीक है, मैं अपना परिचय खुद ही बता रहा हूँ। हाँ बाबू अपन परिचय दे जा, सब ले ले। मैं क्या देख रहा हूँ? आप क्या देख रहे हैं बाबू साहब? मैं यही देख रहा हूँ कि आए हुए दर्शक भाई के चेहरे पर क्या सुंदर निखार है। आए हुए दर्शक भाई के चेहरे पर क्या सुंदर निखार है। और हमारी तरफ से सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार है। जैसे हुए दर्शक भाइयों के चेहरे पर क्या सुंदर निखार है। और हमारी तरफ से सभी भाइयों के नमस्कार है। साले मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार हम भाई नमस्कार है नमस्कार है। इतना जूता मारूंगा साले। जैसे कि हम नहीं होते तो आप लोग नहीं होते। नहीं होते बाबूजी। हम नहीं होते तो आप लोग नहीं होते। नहीं होते। और आप लोग नहीं होते तो हम नहीं होते। नहीं होते। ये बात बराबर की हुई। बराबर की कैसे हुई? कैसे बाबूजी? जैसे कि राम और हनुमान कृष्ण और अर्जुन। राम के भक्त कौन थे? राम के भक्त हनुमान जी थे। शाबाश शाबाश। राम के भक्त हनुमान जी थे और कृष्ण के भक्त अर्जुन जी थे। जैसे राम के भक्त हनुमान थे और कृष्ण के भक्त अर्जुन थे, उसी तरह से आप लोग हमारे सेवक हैं और हम आपके सेवक हैं। ये बात बराबर की हुई। अब जाके बराबर की हुई जी बाबूजी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मालूम हो चाहिए कि आज की रात ये जिला बिजनौर है। दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, आज की रात यह जिला बिजनौर है। आज की रात यह जिला बिजनौर है। और जिला बिजनौर का रहने वाला कौन साहब है? इसी जिला बिजनौर में एक ग्राम है। कौन सा ग्राम है बाबूजी? जिसका नाम है चंदा पार। चंदा पार। चंदा पार। चंदापुर का रहने वाला कौन साहब है? चंदापुर का रहने वाला जिसको लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबूजी जिसको लोग? रंगबाजों का रंगबाज। रंगबाजों में रंगबाज। रंगबाजों का रंगबाज और डबल नक्शे जिसको क्या बोलते हैं? जमींदार भोपाल सिंह खुराना। लेकिन हमारा वसूल है पुराना, अपने दुश्मनों को इस जग से। तुझे मालूम हो चाहिए क्या चीज बाबूजी? मेरी शादी हुई है। आपकी शादी हुई है ना? क्या? हाँ बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी बीबी के पास नहीं जाता हूँ। बतावा भैया इनकर बाबू साहेब के शादी भाई अपने बीबी के पास ना जाते, एकर मतलब इनके कुछ कमी है। अबे साले तुझको मालूम हो चाहिए मैंने क्या कहा। क्या कहा? रंगबाजों में रंगबाज, छिनरा में छिनरा, अय्यास बाजों में अय्यास बाज और चबल नक्शे बाज जिसको लोग क्या कहते हैं? भोपा साहेब।
ए मेरा वसूल है पुराना, और आज ये ऐलान कर दो, और बहुत पहले से ऐलान भी है जी बाबूजी। क्या चीज? क्या चीज बाबूजी? हमारे इस इलाके में जिसके घर में अगर शादी होगी तो सबसे पहले सुहागरात भूप सिंह मनाएगा। ये तो ऐलान पहले भी आप करा चुके हैं, लेकिन अगर कोई जिसके घर में नई नवेली दुल्हन आई, अगर वो मेरी हवेली पर उसको नहीं पहुंचाएगा तो कसम में भोलेनाथ की, कसम में भोलेनाथ की उस साले को दौड़ा के गोली मार दूंगा। बहुत अच्छी बात है बाबू साहब, ऐलान पहले भी था आवाज भी है। ठीक है बाबूजी, कर दो ऐलान। हाँ भैया, हाँ भैया, आप लोग अपना अपना खोल कर सुन ले, कान खोल कर, सभी ग्रामवासियों, सभी ग्रामवासियों, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि पूर्ण विराम। ये कहां से आ गया? ये कहां से आ गया बाबू? मंत्र वचन है, इतना बड़ा छोटी ब्रेकर लगा दिए तुमने। चल बोल। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि जो जो भी इस गांव में, इस चंदापुर गांव में नई नवेली दुल्हन आएगी, सबसे पहले सुहागरात हमारे श्रीमान बाबू साहब मनाएंगे, अन्यथा उनके बात का कोई भी उल्लंघन किया तो। क्या 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 क्या? हमारे बात का? हाँ, जो भी हमारे बाबू साहब का बात का उल्लंघन करेगा उसे दौड़ाकर गोली मार दिया जाएगा। और मेरी बात को कान खोल लो। हाँ बाबू। तुम चले जाओ इलाके में, चले जाओ इलाके में, और देख करे पूरे इलाके पर देख के आओ। ठीक है बाबू। किसी घर में शादी पड़ी थी या नहीं? कोई बात नहीं बाबू साहब, मैं आपका नौकर हूँ, आपका गुलाम हूँ, मैं इस इलाके में घूम फूक पता लगाता रहूंगा, किसी घर में नई नवेली दुल्हन आई है मैं आपको सूचना जरूर दूंगा बाबू। राइफल दो। लेकिन रामचंद्र जी, बाबू जी, चलते चलते कुछ कह चुका हो। क्या बात है, कैसे क्या कहना चाहते हो? और समय समय कितना भी ना चुके हो, जमाना याद आता है, समय कितना भी नाजुक हो और जमाना याद आता है, और महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। वक्त का विचार करो, वक्त का विचार करो, जो होगा सो सामने आएगा। ये रहा जमींदार भूपत सिंह का ऐलान। ऐलान चाहिए रहेगा, ऐलान चाहिए रहेगा, जो करू सो मेरा अधिकार है, जली को वाद कहते हैं और बुद्धि को राग कहते हैं। क्या कहते हैं? जली को याग कहते हैं और बुद्धि को राग कहते हैं। बंदुकिया से निकली गोलिया जमींदार भूपत सिंह कहते हैं। आप लोग अगली सीन देखेंगे इस ब्रेक के। साला हेलो। हाँ मेरे दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने देखा हमारे जमींदार भूपत सिंह ने ऐलान करवा दिया है कि जो भी इस चंदापुर इलाके में गांव में नई नवेली दुल्हन आएगी, सबसे पहले सुहागरात हमारे बाबू साहब मनाएंगे। लेकिन कहना क्या है,
अरे जब से चढ़ा भगोना, जब से चढ़ा भगोना, अरे प्राइमरी स्कूल में, जब से चढ़ा भगोला प्राइमरी स्कूल में, शिक्षा जरी गई चूल्हे में, आशीर्वाद का नाम पहले लिया कर चंदन। हाँ हाँ बोले, एक काम कर, तू मेरा परिचय दे दे, तू मेरे बारे में सबको बतला दे मैं कौन हूँ और कहाँ के रहने वाली हूँ। मलके हमसे ले बाबा जी, क्या चीज रे अपन नाम देखा, हम तुम्हारे सिर्फ नौकर रहे मलके, आप कहा महलों की रानी है और मैं कहा रोड छाप हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, आपका गुलाम हूँ मालकिन साहब, आप अपना परिचय स्वयं दे दीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहने वाला हूँ, क्या करती हूँ। हेलो हेलो हेलो, देखिए सीन को देखते हुए ये हमारे महान भाव भैया आ गए हैं, कल्पू यादव जी, कल्पू यादव जी जो सामने वीडियो बना रहे हैं वो बैठे हैं, देखिए शानदार गर्व के पुरस्कार देते हैं, ये हमारी पार्टी हार्दिक शुक्रिया, यो अभिनंदन और वंदन करती है आप लोग का, सीन चलते रहिए। तो ठीक है आप लोग मेरा परिचय लीजिए मैं कौन हूँ। हाँ मलकिन अपन परिचय दे। दोस्तों मेरा नाम सरता सिंह है, मेरा नाम सरता सिंह है, मेरे परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। कौन कौन है? मेरा नाम सरता सिंह है और मेरी एक ननद है जिसका नाम रानी है, और मेरे पति जी हैं। क्या है आपके फटी जी हैं? अभी फटी जी ना है, ये वधरू सी जी वैश्रम। मेरे पति जी हैं जिनका नाम ठाकुर भूपत सिंह है। क्या बताऊं, आज मुझे मेरा गांव ना आए, कई साल बीत गया लेकिन आज तक मेरे पति जी मेरे पास कभी नहीं आए। बतावा भैया भाई तक ठाठ पड़ी यहाँ ये। ए चंदर बा। हाँ मलकिन। काय बताई? हाँ। हमार गवन आए 5-7 साल हो गया। हाँ। आज तक हमी ना जानी। हाँ। कि मन से दुख सवाद कैसे होत है। दुख सवाज जैसे पक्का आम हो थे चोहो के लब मन से दुख सवाज जैसे लेहे बा मन से दुख सवाज। हां हां बे हम खाए का है ई, तू जाना था का? हां अच्छा, मन से दुख सवाज जैसे समोसा। अच्छा और का? समोसा है ये वधर का ये है ये वधर मन से दुख सवाद लेके। हाँ सवाद ले रहा हूँ एक पहरा रही हूँ मैंने। 3 कोने खो थू का? 3 कोने खो समो आइए बात हारू दरार दे तो उज्जर उज्जर खोइए फेंक बस। समोसा 3 कोने खोत है।
का बताए चंद्र बेटवा का तोर माई यही तो का भा मालकिन हो तो मायन किया तो मालकिन तो मायन ये कहते हैं का बताए हमार गांव देश हमका ताना मारा थी काहे का कहा थी फलानी का आए कई साल बीत गया अब एक को लड़के बच्चा पैदा ना आए भाई अगर आज हमारे लगे उतर जात होते तो तोर माज खाए कहा था ये इन्हने किनाए ने है इन्हने किनाए हमारे कम से कम चार पांच गदेला भाव होते हाँ होते देखा है इनमें पातर यहाँ लड़का हो हम तेज यहाँ लेकिन हाँ ये बात है हम लड़का बिना तरसत यही लड़का बिना तरसत तो हमसे संपर्क कर आई हम रामचंद्र से लड़का फटाफट हो बिना मन से दुख का अरे आइए बधारे कौन बिना मन से दुख लड़का हुई है बिना मन से दुख लड़का हो तो हाँ अच्छा अगर लड़के की जरूरत हो तो हमको संपर्क कर लू हम बता दी का बताए चंद्र हो हम जाल घरे में रहत रहा तो भी आई गई यही हाँ एकदम उभी आई गई हो यही मन कहा था हम चली जाए तारा ही नारा ले ले यही मन कहा था मैं चली जाए ये नदी में कूद के जान दे दे यही मन कहा था मैं केहू के लेके भाग जाए हाँ मालकिन एक बार बात बोलती है हाँ सही कहा अगर मालकिन केहू के लेके भाग जाबू या नदी में कूद के मर जाबू या जहर खाए के मर जाओ तो मालकिन एक ना सोचत है कितनी बड़ी राज रियासत की मालकिन हो आप इतनी बड़ी राज रियासत की मालकिन हो और इतने बड़े घराने की आप लड़की हो थोड़े मायके वाले काव कही है कि बतावा यही गांव वाले ताला मारी है यही मेहरारुआ कही है ठकुरैया बुजरी हर जाए रंडी ना कहता ही गांव है ताना मरी है इसे अच्छा ताना मरी है वही लाज शर्म कुमारी हम जान ल परी यही क्या बताऊं मेरे पति जी अपने मन मुताबिक मुझसे काम करवाते हैं अच्छा नौकरानी जैसा व्यवहार करते हैं बतावा ले